हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू डू ईवीएस। प्लीज टेक दिस मार्वल सेमेस्टर सीरीज सीनियर केजी बुक वन। टर्न योर पेज एंड ओपन पेज नंबर 67। राइट ईयर टूडेज डे। ओके, टॉक अबाउट फ्लावर्स। रीड दी इंस्ट्रक्शन। मैच द फ्लावर्स विथ देयर नेम्स। हमें फ्लावर को मैच करना है उसके नेम के साथ। ओके, तो पहले फ्लावर कौन सा है वो हम देखेंगे। फिर यहाँ पर सभी फ्लावर्स के नेम लिखे हैं, तो हमें उसके साथ ज्वाइन करना है। ओके, ये कौन सा फ्लावर है आपको पता है? ये लोटस है। ओके, इट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। इट इज फाउंड इन पॉन्ड्स एंड लेक्स एंड ऑल्सो फाउंड इन डिफरेंट कलर। ये पॉन्ड्स और लेक्स में मिलता है हमें, और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर में भी मिलता है, तो ये लोटस है। तो यहाँ पर लोटस का स्पेलिंग कौन सा है आपको पता है? यहाँ पर है, देखो, LOTUS, लोटस। ओके, तो हमें इसके साथ ज्वाइन करना है। अब ये फ्लावर, ये कौन सा फ्लावर है आपको पता है? इसको हम मैरीगोल्ड बोलते हैं। और देखो, ये भी मैरीगोल्ड फ्लावर है, तो हमें मैरीगोल्ड स्पेलिंग फाइंड करना है और उसके साथ ज्वाइन करना है। मैरीगोल्ड फ्लावर इज फाउंड इन डिफरेंट कलर्स। देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंट कलर में है ना दोनों। ये येलो है और ये ऑरेंज कलर में है, तो हमें इस दोनों फ्लावर को मैरीगोल्ड स्पेलिंग के साथ ज्वाइन करना है। तो ये मैरीगोल्ड का स्पेलिंग है, MARIGOLD, मैरी गोल्ड। तो हम लाइन की मदद से ज्वाइन करेंगे। अब ये फ्लावर कौन सा है? यस, पेरीविंकल, एंड इट इज पर्पल इन कलर। पर्पल कलर का है ना ये फ्लावर, और इसको हम पेरीविंकल बोलते हैं। तो पेरीविंकल का स्पेलिंग यहाँ पर है, PERIWINKLE, पेरी विंकल। तो हमें इसके साथ ज्वाइन करना है। अब ये फ्लावर, ये कौन सा फ्लावर है? यस, सनफ्लावर। ओके, इट इज फेस्ड द सन एंड ग्रो फास्ट। और ये सनफ्लावर है, तो सनफ्लावर का स्पेलिंग कहाँ पर है? यस, यहाँ पर है सनफ्लावर का स्पेलिंग, तो हमें उसके साथ ज्वाइन करना है। ओके, अब ये देखो, ये कौन सा फ्लावर है? यस, रोज। आप सबने देखा है ना रोज? यस, रोज इज रेड इन कलर एंड ऑल्सो फाउंड इन वाइट, येलो एंड पिंक कलर। इट इज ऑल्सो हैज टाइनी थ्रोन्स। तो अब हमें रोज को उसके स्पेलिंग के साथ ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर रोज का स्पेलिंग है। ओके, तो हम उसे लाइन की मदद से ज्वाइन करेंगे। आपको समझ में आया? ये लोटस है, फिर ये दोनों फ्लावर्स मैरीगोल्ड है। ओके, ये पेरिविंकल, और ये सनफ्लावर, और ये फ्लावर है रोज। ओके, हमारा 67 नंबर का पेज कंप्लीट हो गया है। अब हम पेज टर्न करेंगे और पेज नंबर 68 ओपन करेंगे। ओके, यहाँ पर पहले आपको आज की डेट लिखनी है। रीड दी इंस्ट्रक्शन। कंप्लीट दीज पिक्चर्स बाई ड्रॉइंग द मिसिंग पार्ट। आपको यहाँ पर डिफरेंट पिक्चर्स दिए गए हैं, उसमें
जो पार्ट मिसिंग है वो हमें ड्रॉ करना है। ओके, तो आप देखो फर्स्ट पिक्चर कौन सा है? यस, अलार्म क्लॉक। ओके, उसमें कौन सा पार्ट मिसिंग है देखो तो आप, एक हैंड मिसिंग है। देखो यहां पर ये स्मॉल हैंड है, तो अब हमें बिग हैंड ड्रॉ करना है। ओके, तो आपको भी मैं जैसे बिग हैंड ड्रॉ कर रही हूं उसी तरह आपको भी ड्रॉ करना है। अब ये देखो ये क्या है, कप एंड सॉसेस। ओके, तो उसमें कौन सा पार्ट मिसिंग है देखो, कप का हैंडल मिसिंग है, तो हमें हैंडल ड्रॉ करना है। इस तरह आपको भी हैंडल ड्रॉ करना है। ओके, अब ये देखो ये कौन सा पिक्चर है, हाउस। आप हाउस में रहते हो ना, घर में, तो यहां पर देखो स्टेप्स है पर क्या मिसिंग है, डोर। हाउस का डोर मिसिंग है, तो हमें डोर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको पहले यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन, फिर यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन, ये हमने डोर ड्रॉ कर दिया है। अब ये देखो ये कौन सा पिक्चर है, डॉग। ओके, डॉग में क्या मिसिंग है देखो, तो लेग्स तो है, क्या मिसिंग है, टेल। तो हमें टेल ड्रॉ करनी है। ओके, यहां से मैं जैसे ड्रॉ कर रही हूं वैसे ही आपको ड्रॉ करना है। देखो डॉग की टेल हमने ड्रॉ कर दी है। अब ये कौन सा पिक्चर है, कार। कार में देखो क्या मिसिंग है, व्हील। यहां पर कार का व्हील मिसिंग है, तो हमें वो ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आपको भी कार का व्हील ड्रॉ करना है। ओके, तो उसके लिए आपको यहाँ पर पहले सर्कल बनाना पड़ेगा, उस सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल। ओके, अब इसी तरह कुछ लाइन ड्रॉ करनी है हमें, यहाँ पर पहले डॉट करना है आपको, फिर यहां से लाइंस ड्रॉ करनी है। देखो हमने ड्रॉ कर दिया है। ओके, अब हम पेजेस टर्न करेंगे और पेज नंबर 75 ओपन करेंगे। पेज नंबर 75, यहां पर ऊपर आपको आज की डेट लिखनी है। ओके, अब आप ये रीड करो क्या लिखा है, पिक्चर टॉक टाइप्स ऑफ हाउसेस। आप कहाँ पर रहते हो, घर में रहते हो ना, यस। तो यहाँ पर जो पिक्चर्स दिए गए हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस के हैं। ओके, जो हाउस इस तरह दिखता है उसे हम क्या बोलते हैं, हट। ओके, इस तरह का जो हाउस होता है उसको हम हट बोलते हैं। फिर ये देखो जो इस तरह का हाउस दिखता है उसे हम बंगलो बोलते हैं। ओके, फिर ये देखो ये बिल्डिंग कितनी टॉल है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपार्टमेंट्स। और जो हाउस इस तरह दिखता है उसे हम कॉटेज बोलते हैं। ओके, ये हमारा 75 नंबर का पेज कंप्लीट हो गया है। अब हम पेज टर्न करेंगे और पेज नंबर 76 ओपन करेंगे। ओके, पहले आपको यहाँ पर आज की डेट लिखनी है। डेट लिखने के बाद देखो आप यहाँ पर क्या लिखा है, हियर आर सम थिंग्स यूजुअली फाउंड इन द लिविंग रूम, टिक द थिंग्स दैट आर इन योर लिविंग रूम। आपके घर में जो लिविंग रूम होता है उसमें आप कौन कौन सी चीजें रखते हो उसमें आपको टिक करना है। ओके, ये क्या है, रेफ्रिजरेटर। ये आप आपके लिविंग रूम में रखते हो, नो, रेफ्रिजरेटर तो किचन में होता है, तो यहाँ पर हमें टिक नहीं करना है। अब ये क्या है, सोफा। सोफा तो लिविंग रूम में ही होता है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, टिक।
ओके अब ये क्या है? टेलीविजन। टेलीविजन होता है ना लिविंग रूम में। यस, तो हमें यहां पर क्या करना है? टिक। अब ये क्या है? कॉट। ओके, कॉट तो कहां पर होता है? बेडरूम में, लिविंग रूम में नहीं होता है। तो हमें यहां पर टिक करना है नो। फिर बल्ब। बल्ब तो लिविंग रूम में होता है, इसीलिए हम यहां पर टिक करेंगे। फिर ये क्या है? कंप्यूटर। कंप्यूटर लिविंग रूम में होता है। यस, तो हमें यहां पर टिक करना है। ये क्या है? क्लॉक। क्लॉक लिविंग रूम में होती है, तो हमें यहां पर टिक करना है। ये क्या है? बुक्स। बुक्स होती है लिविंग रूम में। यस, तो हम यहां पर टिक करेंगे। ये क्या है? चेयर। चेयर लिविंग रूम में होती है, तो हम यहां पर टिक करेंगे। ओके, फिर ये क्या है? टेबल। टेबल लिविंग रूम में होता है। यस, ओके, तो हम यहां पर क्या करेंगे? टिक। फिर ये क्या है? कबर्ड, है ना, तो इसमें हम क्या रखते हैं? क्लोथ्स, तो वो लिविंग रूम में होता है नो, तो हमें यहां पर टिक करना है नहीं। ओके बच्चों, अब आपको इंग्लिश की क्लास वर्क बुक लेनी है। इंग्लिश की क्लास वर्क बुक में हम ईवीएस का होमवर्क करेंगे। ओके, पेज टर्न करना है और इस पेज पर पहले आज की डेट लिखनी है ऊपर, उसके बाद ईवीएस स्पेलिंग ऐसा हेडिंग लिखना है। ओके, इतना हो जाने के बाद कॉर्नर में पेज नंबर 67 लिखना है, हेडिंग, डेट, पेज नंबर और ये स्पेलिंग। पेरेंट्स स्टूडेंट को लिख कर देंगे, उसके बाद सेम स्पेलिंग स्टूडेंट को देखकर लिखने हैं। ओके, और साथ में बोलना है कि कौन सा स्पेलिंग लिख रहे हो आप। ओके, पहला स्पेलिंग कौन सा है? आर ओ एस ई, रोज। दूसरा स्पेलिंग कौन सा है? एल ओ टी यू एस, लोटस। थर्ड स्पेलिंग कौन सा है? पी ई आर आई डब्ल्यू आई एन के एल ई, पेरीविंकल। फोर्थ स्पेलिंग कौन सा है? एम ए आर आई जी ओ एल डी, मैरीगोल्ड। और लास्ट स्पेलिंग कौन सा है? सनफ्लावर, एस यू एन एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, सनफ्लावर। ओके, ये आपको इंग्लिश की क्लास वर्क बुक में लिखना है। अब हम इंग्लिश की होमवर्क बुक लेंगे, उसमें पेज टर्न करेंगे और यहाँ पर आपको आज की डेट लिखनी है। पहले ऊपर ई वी एस स्पेलिंग ऐसा हेडिंग लिखना है और पेज नंबर 67 ये लिखना है। ओके, और स्पेलिंग लिखने हैं आपको, कौन कौन से स्पेलिंग लिखने हैं? रोज, लोटस, पेरीविंकल, मैरीगोल्ड और सनफ्लावर। आपको इंग्लिश की होमवर्क बुक में भी लिखना है। किड्स, आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन। बच्चों, क्या आप दूसरों की मदद करते हो? यस, यह तो बहुत अच्छी बात है। हमें अपने भाई बहन, घर के सभी सभ्यों की और हमारे मित्रों की मदद करनी चाहिए। हमें रास्ते में मिले बूढ़े और बुजुर्ग की भी मदद करनी चाहिए। बाय बाय किड्स।